यूपी में कभी एसपी कभी बीएसपी तमाम तरह की सरकार जब यहां पर सामने आई तब भी उम्मीदें थी, लेकिन जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उम्मीदें दोगुनी हो गई क्योंकि एक बड़ा बदलाव यहां पर जनता ने देखा। सबसे पहले रुख ग्राउंड जीरो की तरफ करेंगे। अमिता पारूल हमारे साथ बनी हुई है। अमिता, जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा जो लोग आपके साथ मौजूद है वो विधायक के समर्थक हैं, बातचीत आपने उनसे की, सीधे तौर पर क्लीन चिट किस तरह से वो यहां पर दे सकते हैं? लगता नहीं है पहले जांच पड़ताल पूरी गहराई से होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, क्योंकि मामला यहां पर गैंग रेप से जुड़ा हुआ है, गंभीर मामला। बिल्कुल, देखिए विधायक के जितने समर्थक यहाँ पर हैं वो ये बात तो मान रहे हैं, विधायक के समर्थन में जरूर है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि पूरे मामले को क्लीन चिट ऐसे नहीं दी जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट तक की बात ये लोग कर रहे हैं। एक चीज हम दिखा दें, ये मेरे हाथ में ये जो आप पर्चा देख रहे हैं ये वो पर्चे हैं जो विधायक के समर्थकों के पास हैं। इनका ये कहना है ये विधायक के खिलाफ ये पर्चे पीड़िता के परिवार की तरफ से छपवाए गए थे पहले, और एक तरह से विधायक को पहले भी बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसा इनका कहना है। और ये पर्चे ये लोग लेकर यहाँ पर आए भी हैं, ये पहले पूरे गाँव में बंटवाए जा चुके हैं, अक्टूबर 2017 का ये पूरा मामला है। तो जाहिर है कि ये सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो जाए और जो दोषी है उसे बख्शा ना जाए। खास बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से पीड़िता के पिता की मौत हुई वो सवाल खड़ा हो रहा है और उसकी भी जांच होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो जाहिर है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो आज देर शाम तक जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट है वो आ जाएगी, उससे भी काफी चीजें साफ हो जाएंगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक आज खुद यहाँ अपने गाँव में अपने लोगों के बीच आ सकते हैं। चलिए ठीक है, इस तस्वीर पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, दोबारा से रुख करेंगे। लखनऊ से अनुभव शुक्ला भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अब यहां पर उम्मीद ये जागी है कि एसआईटी जब अपनी रिपोर्ट यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी तो उससे जरूर कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे इंसाफ जो है यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये बाद की बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल एसआईटी की इस रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए सबीना, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एसआईटी गठन की बात कही, तब तक टीम भी तय नहीं थी, ये जरूर कहा था कि एसआईटी का गठन कर देंगे, पर रात होते होते मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देशित किया जाता है कि एसआईटी की टीम एक दिन में यानी आज ही जाएगी और आज शाम तक अपनी रिपोर्ट वो प्रिलिमिनरी सौंप देगी। अब हमने पुलिस के बहुत से जो जानकार है, रिटायर्ड आईपीएस अफसर है, उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईटी बेसिकली इस तरीके से काम नहीं करती, वो एक टाइम फ्रेम में काम करती, हफ्ते भर का, 10 दिन का उसको समय दिया जाता है और वो सारे पहलुओं को देखती है। अब आप अंदाजा लगाइए 12 बजे कोई टीम पहुंची है, 4 बजे या 5 बजे क्या वो अपनी रिपोर्ट किस तरीके से इंक्वायरी कर लेगी? तो दरअसल इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है कि अमित शाह लखनऊ में है, वो 5-6 घंटे मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और उन्नाव का ये जो मामला है इस पर पूरी हम कह दो सरकार की किरकिरी हो रही, कहीं वो इस पर कोई सवाल ना पूछ ले या इस मामले में कुछ ना पूछ ले, इसलिए एसआईटी को तुरंत आनन फानन में कहा गया कि वो 4-6 घंटे में ही अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट सौंप दे। तो परिवार को भी इस जांच पर भरोसा नहीं है, वो कह रहे कि एसआईटी किस तरीके से 5-6 घंटे में ही पूरे मामले की जांच करके दे देगी। और जो बात राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि 164 के तहत बयान हुआ था, देखिए इसी पीड़ित परिवार के आरोप पर अगर कुलदीप सेंगर के भाई को गिरफ्तार किया गया तो उनका आरोप तो कुलदीप सेंगर पर भी है, तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? 3 तारीख को जब मारपीट हुई, पीड़ित परिवार ने जो मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? तमाम सवालों के जवाब यहां पर हम अपने खास पैनल से ले रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब यहां पर जानने बेहद जरूरी हो जाते हैं, उनसे संपर्क यहां पर करेंगे। राजेश कुमार राय जी, क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे। पूर्व आईजी आप यूपी पुलिस के रह चुके हैं, जब सत्ता पक्ष कटघरे में आती है, जब कानून के रखवाले अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, जब एक पीड़ित लगातार गुहार लगाती है, पहले से ही बताती है कि उसकी जान को, उसके पिता की जान को, परिवार की जान को किस तरह से खतरा है और हर कोई सिर्फ देखता रहता है मूक दर्शक बनके, आपको लगता है हर वो इंसान दोषी है जो जानता था कि यह सब हो सकता था? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है राजेश कुमार राय जी, यहां पर वो करेंगे।
देवाशीष अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवाशीष, हम चाहेंगे कि आप इस सवाल का जवाब दें। आप बीएसपी समर्थक जरूर हैं, लेकिन इस नाते क्योंकि आप एक युवा चेहरा भी हैं, हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे क्यों हम इस सियासी खेल में फंस जाते हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं है। सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करने से वो कोई भी पाती हूँ नहीं होगा, बल्कि अगर महिलाएं आपके दर तक आती हैं, वो खुलेआम कहती है कि गैंगरेप का शिकार वो हुई है, उसके परिवार की जान को खतरा है, उसके बावजूद सिस्टम मूक दर्शक बना रहता है। देखिए, आपके जो करस्पोंडेंट है उन्होंने बहुत ही सही बताया कि SIT 4-5 घंटे में जांच की रिपोर्ट देने वाली है। अब वो जांच किससे करने वाली है, किससे पूछ के जांच करने वाली है, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के समर्थक है शायद उनसे पूछ के जांच की रिपोर्ट दे दी जाए। देखिए, मामला यहाँ पर राजधर्म का है। मामला जब पीड़िता जब योगी जी के पास 9 महीने पहले आई थी और जब उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आपके साथ इंसाफ होगा, तभी मामले की सुनवाई और निपटारा हो जाना चाहिए था, पर तब से खिसता रहा। आज मामला ऐसा है कि किसी की जान चली गई है। अब चाहे सरकार कुछ भी कर ले, वो जान की भरपाई तो नहीं हो सकती। और अब भी ये बात हो जाती है क्योंकि रसूखदार लोग हैं और सीधे योगी जी की जाति से भी बिलोंग करते हैं, वो जो समय हमारे जो मुख्य जो विधायक जी हैं उनकी जाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि योगी जी अपने जाति को सुरक्षित करने के लिए, हो सकता है अगर वो उसको गिरफ्तार करा दे तो उनको अपनी जाति की तरफ से गलत मैसेज जाए, इस सब के लिए वो राजनीति खेल रहे हो? ये बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है जिनकी विवेचना होनी चाहिए। ठीक है, राजेश कुमार राय जी, आपकी तरफ यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। कानून के रखवालों को अपना काम बिल्कुल निष्पक्ष होकर करना चाहिए, ना कि चाहे सत्ता में कौन सी पार्टी है या विपक्ष में कौन सी पार्टी है या कौन रसूखधार है, उसके अंडर में आकर अपनी जिम्मेदारी को यहां पर निभाए। अगर हम उन्नाव पुलिस की बात करें, आपको लगता है कि जब हम सत्ताधारियों के पक्ष में आकर या दबाव में आकर या दबंगों के दबाव में आकर अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा दाग यही होता है और सबसे बड़ी कमी यहीं पर सामने आती है जब इंसाफ नहीं मिल पाता? मैं सबीना जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपको आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक शासन की बात है तो शासन के संज्ञान में जब बात आई तो शासन ने राजधर्म निभाया, उन्होंने सारी चीजों को बिल्कुल समझ करके वहां पर जब उन्होंने सख्ती दिखाई तो यही SIT जिसके बारे में आप कह रही है कि वो लोग बता रहे हैं कि आज गए हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अतुल सिंह की गिरफ्तारी कल हो गई, SIT ने जाके गिरफ्तारी की। SIT उसी समय से लगातार कंटिन्यूअस इसमें जो है अपने प्रयास में चालू हो गई। लेकिन जहां तक उन्नाव पुलिस की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें हैं जो वो कर सकते थे। ठीक बात है, मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की ने बयान नहीं दिया पीड़िता ने, लेकिन बाद में जब उसने एक बात कहना शुरू किया तो उसको बिल्कुल टोटली इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसकी बात को सुनते। उसमें अगर FIR लिखने की जरूरत थी, कोर्ट से भी लिखने की बात थी तो FIR लिखते, जिसको वो कह रही थी उसका नाम लिखते। अगर वहां पर ये बात थी, वो बार बार ये कह रही है पीड़िता कि मेरे पिता को, मेरे परिवार को धमकी दी जा रही है और मुझे खतरा है, और उसमें भी आपने ऑडियो वगैरह देखा जिसमें कि ऑडियो टेप में बातचीत हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उस परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, उसके पिता को सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, केवल पुलिस की लापरवाही। बिल्कुल सही, तमाम चीजें जरूरी नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड सामने आए। अगर ऑफ रिकॉर्ड भी आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है तो कम से कम उस वर्दी की खातिर ही सही, लेकिन जिम्मेदारियां यहां पर अगर निभाई जाती उन्नाव पुलिस के जरिए, सिस्टम तो पर तो हम लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कानून के जरिए यहां पर सख्त कदम उठाया जाता तो हो सकता है आज की तस्वीर कुछ और होती। अमिता, एक बार फिर से रुख आपकी तरफ करेंगे, क्योंकि आपने बताया कि विधायक यहां पर आ सकते हैं, क्या कुछ आपको लगता है फिलहाल किस तरह की हलचल इस वक्त जारी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विधायक के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं, खुद पुलिस के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार मौके पर नज़र बनाए हुए हैं। विधायक से खुद हमारी बात हुई थी क्योंकि वो लोगों से संपर्क में हैं, मीडिया के लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात मानी थी कि वो 2 बजे के बाद खुद अपने क्षेत्र में होंगे और जब तक SIT की जाँच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो यहीं पर अपने लोगों के बीच रहेंगे। लगातार वो लखनऊ में बने हुए थे अभी तक, तो अब जो उनके समर्थक है उन्हें इंतजार है विधायक के आने का। लेकिन थोड़ी देर पहले SIT की टीम अभी गांव में आकर खुद पीड़िता के परिजनों के साथ जांच करके, उनसे बातचीत करके, उनके घर के अंदर जाकर पूरा जायजा लेकर गई है। तो जाहिर है हम मान सकते हैं कि अब जो कुछ भी बातचीत के आधार पर चीजें निकल कर आएंगी उसके आधार पर ही शाम तक अपनी प्राथमिक रिपोर्ट SIT देगी। लेकिन जो सवाल अनुभव ने खड़ा किया और जैसे जानकार भी बता रहे हैं कि SIT 4-5 घंटों में
जो जांच करेगी वो कितनी उसको हम सही मानेंगे ये भी देखना होगा। वैसे फिलहाल प्राथमिक तौर पर ये शुरुआती रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद लगातार जांच चलती रहेगी, क्योंकि मामला पिछले करीब जून 2017 से चल रहा है और लगातार इस मामले में मुकदमेबाजी भी दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। तो पीड़िता का अपना पक्ष है, विधायक के जो समर्थक है वो यहाँ पर इकट्ठा है, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो सही बात है वो जांच के जरिए ही सामने आएगी, इतना हम कह सकते हैं। बिल्कुल अनुभव, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है जिस तरह से एसआईटी को लेकर थोड़ी उम्मीद यहाँ पर जरूर जगी, हालांकि इसे लेकर अभी से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर किया जाए जो कि शाम के वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। क्या आपको लगता है क्या सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हम सभी के सामने है उसके बाद कौन से वो मुद्दे सामने आ सकते हैं जो इंसाफ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि पहले तो पुलिस ने विधायक के भाई को भी गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन जब ये पूरा मामला मीडिया में आया और उसके बाद परिवार ने जो आरोप लगाया, ये आरोप लगाया कि जो पिता की मौत हुई है वो दरअसल पिटाई से हुई है और इतना बुरी तरह से पीटा गया था, उसमें खुद विधायक के भाई शामिल थे, फिर 302 का एक मुकदमा दर्ज किया गया, उनमें नाम शामिल किया गया, और फिर अतुल जो उनका भाई है कुलदीप का, उसकी गिरफ्तारी हुई। हमने प्रमुख सचिव गृह से बात की थी और ये पूछा था कि क्या विधायक की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उन्होंने कहा कि जो रेप का मामला है जिसमें 164 का बयान पीड़िता का पहले हो चुका है, उस मामले में तो विधायक की गिरफ्तारी तभी होगी जब अगर कोर्ट कहेगा, क्योंकि ये परिवार दोबारा कोर्ट गया, उसने इनका नाम शामिल करने के लिए भी कहा है, और अगर कोर्ट ये कहता है तो जरूर उसका कंप्लायंस कराया जाएगा। पर बार बार पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि अगर हमारे कहने पर अतुल गिरफ्तार हो सकता है तो कुलदीप क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा हो रहा है कि अब तक विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी यहाँ पर क्यों नहीं हुई है, या फिर क्यों एक ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ रही है जो ये बताए कि सिस्टम अपना काम बखूबी कर रहा है या वो सख्ती दिखा रहा है जिसकी उम्मीद यहाँ पर योगी राज के सत्ता में आने के बाद पैदा हुई थी, खासतौर से प्रदेश की बेटियों के अंदर। तो लगातार जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। दरअसल ये मुद्दा किसी सिर्फ एक प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदुस्तान की उन तमाम बेटियों से जुड़ा हुआ है जो रोजाना या तो छेड़खानी का शिकार होती हैं, या रेप का शिकार होती है, या फिर गैंगरेप जैसी वारदात की चपेट में आ जाती है। देवाशीष, यहां पर आपको लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये नजर आती है कि जब हम महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो गेंद जो है वो खासतौर से एक दूसरे के पाले में आ जाती है। हाँ, महिला सशक्तिकरण की बात है तो हम हर हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि जब प्रदेश की एक बेटी इंसाफ की गुहार लगाती है तब तक लगाती है जब तक कि वो अपने पिता को नहीं खो देती है, बावजूद इसके सिस्टम सोया रहता है, कानून की एक सबसे भद्दी तस्वीर सामने आती है। देखिए बहुत गंभीर मामला है, और मैं फिर बता देता हूं कि 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद फिर से उस निर्भया केस की यादें ताजा कर दी गई हैं। बिल्कुल वैसा ही चल रहा है और सिस्टम सो रहा है। हम दर बदर कानून को मजबूत करते जा रहे हैं, कानून में मजबूत करते जा रहे हैं, लेकिन कानून मजबूत तभी होगा जब कानून के पालनकर्ता जो लोग हैं उस कानून को इंप्लाई कराए। हम किताबों में चाहे कितना भी मजबूत कानून लिख लिए, SC ST एक्ट पे अभी आप देख रहे थे आंदोलन चल रहा था, वहां पर भी यही बात निकल के आ रही थी, कानून तो है, कानून होने के बावजूद भी कानून की जो पालन है वो नहीं हो पाता। इस पर रिएक्शन में जरूर राजेश कुमार राय जी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इस बीच विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार के राज में महिलाएं महफूज नहीं, कि वो दम तोड़ देता है पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार मांगते हुए आदित्यनाथ की पुलिस की हिरासत में। क्या ऐसे मुख्यमंत्री को जो आज ये षड्यंत्र करवा रहे हैं सेनगर विधायक को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि विधायक है, और दलितों के प्रति अन्याय करने के लिए बेटी को न्याय ना मिले, बाप की हत्या हो जाए और उसके बाद पुलिस ये कहे कि ये आपसी विवाद है, मामले पर ताला लगाने का एक षड्यंत्र करे कठपुतली बनकर आदित्यनाथ जी के हाथ में, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती। एक साल से वो लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो महिला आयोग है वो कहाँ है, मैं जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग है वो कहाँ है। वो लड़की धक्के खाती है, उसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, ऑलमोस्ट मर जाती है, किसी तरीके से उसे बचाया जाता है और उसी के पिता को इतनी बर्बरता से मार दिया जाता है। सारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कैसे कस्टडी में उनकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई जिसके कारण वो मर गए, फिर भी कोई संवेदना नहीं है। वो आदमी
अडवाणी जो बीजेपी का एमएलए है वो बाहर कैसे घूम रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कोई राज है किसी कानून का या सिर्फ गुंडा राज चलता है यूपी में? कैसे उसको अभी तक अरेस्ट नहीं करा और उसकी इतनी हिम्मत है कि वो रोज लड़की के ऊपर ही अटैक कर रहा है? रुक करना चाहेंगे राजेश कुमार राय जी आपकी तरफ। आपको लगता है कि जब तक कानून के रखवाले वर्दीधारी ये नहीं समझ पाएंगे कि किताबी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा बल्कि जमीनी स्तर पर उसे लागू भी करना होगा, सत्ता के दबाव में काम नहीं करना होगा बल्कि ये देखना होगा कि अगर इंसाफ की गुहार प्रदेश का चाहे बेटा लगाए या बेटी लगाए उसे देखना होगा, समझना होगा, वरना तब तक ये तस्वीर यूं ही सामने आती रहेगी जैसा आज उन्नाव गैंगरेप को लेकर सामने आई। मैं इसमें एक चीज देख रहा हूं सबीना जी, जी। सत्ता का कोई दबाव शासन की तरफ से रहा हो पुलिस के ऊपर यह बात कहीं नजर नहीं आती है। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा उसके बाद तत्काल जो है वो एडीजी के उसमें एसआईटी गठित की गई, सारी कार्रवाई की गई। जब शासन को मालूम पड़ा तो शासन ने अपनी पूरी राजेश कुमार राय जी बहुत देर ये तो कब से चला आ रहा है, ये तो देर हो गई। काश कर दिया होता, काश ऑन टाइम सब कुछ हो गया होता जैसा कि उम्मीद योगी सरकार से की जा रही है। जी मैं उसी देर की बात कर रहा हूँ, और जो देर हुई है वो देर हुई है उन्नाव पुलिस ने न इस प्रकरण को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नजर में डाला, वहां पर एसपी एक महिला है राजेश कुमार जी, संवेदनशीलता को 9 महीने पहले पीड़िता मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री आवास पे मिली थी इस मामले को लेकर। आपको जानकारी नहीं है क्या इस बारे में? आप मुख्यमंत्री जी को क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। वो मिली थी पीड़िता मुख्यमंत्री महोदय से और संज्ञान में लेके आई थी मामले को, और तब मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि बेटी जाओ तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, ये वर्ड थे मुख्यमंत्री जी के, और उसके बाद हम आज ये हालात देख रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जो इंसाफ है वो स्थानीय स्तर पर लोगों ने उनको सस्पेंड किया गया, आप सर के खिलाफ कार्रवाई की गई, कार्रवाई तब की गई पॉलिटिकल सारी बातें उछल करके मीडिया के माध्यम से सामने आई है। यहाँ पर सबको दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही हो रही है, सरकार भी लापरवाही। जब ये बातें मीडिया के माध्यम से हर तरीके से सामने आई तो उस पर सख्ती दिखाई गई, और ये सख्ती अगर पहले दिखाई गई हर मामले को मीडिया में लाना जरूरी है और जिन लोगों को पुलिस के अधिकार दे देने चाहिए, बिल्कुल नहीं जरूरी, मीडिया को दे देने चाहिए पुलिस के अधिकार, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ तनखा किस बात की जा रही है, किस बात के लिए दिया जा रहा है, फिर मीडिया को बनाने से ये कह रहा हूँ कि इसमें जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ मीडिया ही हर मामला लेके आएगी संज्ञान में, सबके तभी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये बात बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जो स्थानीय पुलिस को जिस तरीके से अगर इस पे संवेदनशीलता उन्होंने बरती होती तो आज ये नौबत नहीं आती। स्थानीय पुलिस ये नौबत इसीलिए क्या आ रही है, सरकार उन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और न उन्होंने गंभीरता से लिया उसको उन्होंने, और इतना यहाँ पर है कि इस वक्त डाकघर किसी के दामन पर यहाँ लग रहे हैं, चाहे सिस्टम की बात हो चाहे उन वर्दीधारियों की बात हो जो तमाम तरह के वीडियो कैमरे में कैद हुए और सामने आए किस तरह से पिता के हाथों से जब वो बेसुध होकर तमाम जख्मों को सहकर बैठा हुआ था, अंगूठा कागजों में लिया जा रहा था, या फिर पीड़िता लगातार कह रही थी कि इंसाफ दो और उसके पिता की जान को खतरा है। मैं तो आपकी तरफ यहां पर रुख करना चाहेंगे, कितना और वक्त विधायक कुलदीप सेंगर को यहां पर आने को लेकर लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं, अपने खिलाफ तो वो राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, उनकी पत्नी भी कह रही है कि हां राजनीतिक साजिश का शिकार जो है वो उनके पति यहां पर हो रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है क्या विधायक सिरे से खारिज कर रहे हैं, जो समर्थक यहां पर आपके साथ मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समर्थक तो ये बात कह ही रहे हैं, विधायक भी कह रहे हैं कि वो खुद चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो जाए। अभी थोड़ी देर में विधायक यहाँ पहुंचेंगे, 2 बजे के बाद का समय, कुछ समर्थक जो यहाँ पर है उनसे पूछ लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार अभी आप लोगों में से ही कोई कह रहा था कि नार्को टेस्ट करा लें। जी हम ये चाहते हैं कि इनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, विधायक जी अगर हमारे दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, अगर विधायक जी नहीं दोषी हैं तो जो लोकप्रियता घटाने का काम किया गया है उसका कैसे हल निकलेगा। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनका आपराधिक इतिहास है, इनका 27 मुकदमे हैं इनके परिवार पे, इसके पहले भी ये एक बच्चे को फंसा चुके हैं जो साजिश उनको की जा रही है। लेकिन ये षड्यंत्र की बात जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, ये पीड़िता या उनके परिवार के लोग क्यों करेंगे षड्यंत्र उनके खिलाफ? इसके पीछे और भी साजिश करता है जो इनके कंधे में रख के बंदूक चलाई जा रही है,
इसमें विधायक जी का कौन है, विधायक जी की लोकप्रियता को घटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जानकारी के लिए यहाँ पर। लेकिन कौन किसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहा है, कौन साजिश का शिकार हो रहा है, ये सामने आना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर प्रदेश की बेटी सामने आकर अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात करती है तो तह तक जाना, हकीकत का सामने आना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे हमारी जिम्मेदारी हो, सिस्टम की जिम्मेदारी हो या फिर वर्दीधारियों की जिम्मेदारी क्यों ना हो।